नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउस एक्टिवेशन टेक्निक के बारे में। मैंने बहुत सा वीडियोस बनाया है हाउस एक्टिवेशन पे, आपने देखा भी होगा, लेकिन आज थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आपको बताना है। टेक्निकल टर्म क्या है? जैसे हाउस एक्टिवेशन जो हम करते हैं, सपोज कीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है, इस स्थिति में हम सातवें भाव का एक्टिवेशन करते हैं। अब आप सातवें उस कुंडली के, जिस पार्टिकुलर कुंडली की बात कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर कुंडली के सातवें भाव में जो राशि है उसकी दिशा में, या जो पार्टिकुलर सातवां भाव है उसकी दिशा में, क्योंकि कुंडली की भाव, राशियां और ग्रह सभी दिशाओं से कनेक्ट होते हैं, तभी एस्ट्रो वास्तु का संबंध बनता है। तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं कि जिस प्लेनेट के थ्रू आपको एक्टिव करना होता है, उसके ऑब्जेक्ट को आप इन दिशाओं में स्थापित कर देते हैं। केपी एस्ट्रो वास्तु में जनरली जो हाउस एक्टिवेशन किया जाता है, उसमें मैक्सिमम लोग राशियों के थ्रू काम करते हैं। अब उसमें समस्या आती है कुछ कुंडली में, जैसे आपको दिख रहा होता है लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग कि ये 11 नंबर राशि सातवें भाव में, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि 11 नंबर राशि छठे भाव में जा चुकी होती है और यहाँ ये 12 नंबर राशि आ जाती है। तो इस स्थिति में आप सिंपल ये समझ के, लग्न कुंडली को देख के, यदि आपने उस ऑब्जेक्ट को 11 नंबर राशि में रखा तो क्या होगा, सातवां भाव एक्टिवेट ना होके छठा भाव एक्टिवेट हो जाए। ये सब में नहीं होता है, 10 में 2-3 कुंडलियां ऐसे आपको मिलेंगी जिसमें ऐसा होता है। तो यहाँ 10 में 2-3 ऐसे आप देख के ये सेटिस्फाई ना हो जाए कि चलो बाकियों में तो सही है, क्योंकि मेरा यहाँ बताने का मोटिव ये है कि आपने जिनका काम किया, कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स हैं जहां पे आपको काम करना है। क्रूशियल पॉइंट कैसे, जैसे मैरिज के लिए सातवें को एक्टिवेट करना है लेकिन आपने छठे को कर दिया, क्या हो जाएगा, शादी ही नहीं होगी। या यदि मैरिड लाइफ सही करने के लिए आपने सेवेंथ को किया, पता चले वो छठे में हो गया है, तो फिर और तकरार बढ़ जाएगा। वैसे ही नाइन्थ हाउस हायर स्टडीज का है, या किसी के अपने फादर के लिए, पिता का तो भाव होता है, तो पिता से संबंधित कोई सुख है, कुछ और डीलिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको नाइन्थ एक्टिवेट करना है, लेकिन वो आपने एट एक्टिवेट कर दिया। जैसे एक नंबर राशि जो नाइन्थ में है वो एट में चली गई हो, तो क्या होगा, आठवां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छे हेल्थ के लिए हम लग्न को एक्टिवेट करते हैं, यदि फिफ्थ हाउस ये 5 नंबर राशि जो पहले भाव में, यदि 12वें में चली जाए तो 12वां एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स पे प्रॉब्लम आता है। ये तो मैंने 6, 8, 12 जो निगेटिव होते हैं वहां बताए। जैसे किसी को घर खरीदना है, उस स्थिति में आपने 4 को किया और पता चले 8 नंबर तीसरे घर में चला गया, तो थर्ड का हो जाएगा ना, घर ही नहीं खरीद पाएगा, बेचने वाली स्थिति हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में जिस हाउस को एक्टिवेट आप कर रहे हैं, उस हाउस में कौन सी राशि है, और तब ही आप हाउस एक्टिवेशन करें तो आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा, यानी रिजल्ट मिलने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। दूसरा, यहां मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगा हाउस एक्टिवेशन में, कि हाउस एक्टिवेशन जनरल कंसेप्ट होता है कि जो दशा और अंतरदशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग हाउस एक्टिवेशन किया जाता है, लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जो प्लेनेट सबसे पावरफुल आपकी कुंडली में, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं और रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलते हैं। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। यदि आप मुझसे एडवांस एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हैं तो 14 अप्रैल और 15 अप्रैल दो दिन के लिए मैंने फी अपना कम किया है। इस बीच इनरोलमेंट लेने वाले लोगों के लिए 35,501 रुपए देने होंगे, 35,501 रुपीज। ऐसे रेगुलर मेरा फी 50,000 रुपीज है। कोर्स खत्म होने के बाद 50 दिन तक, लगभग 2 महीने तक आपको प्रैक्टिस सपोर्ट दिया जाएगा। जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो या प्रैक्टिस में जो आपकी समस्या आ रही हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।